हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। हमारा हॉस्पिटल अकोला में है, जहाँ मनोरुग्ण का इलाज करते हैं, व्यसनी जो है शराब व्यसन व्यसनी जो उनका इलाज करते हैं, रिश्तेदारों के समेत करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा करते हैं, बिना रिश्तेदार के इलाज करते रहते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्टेरिया के कुछ अलग सिम्टम्स है उसके बारे में। क्या होता है कि हिस्टेरिया जो बीमारी है वो इतनी अलग अलग तरह से हमारे पास में आती रहती है कि कल्पना भी नहीं होती। ऐसा लगता है कि भैया ये ब्रेन का कुछ तो भी प्रॉब्लम है, और ब्रेन का प्रॉब्लम है करके वो ब्रेन के स्पेशलिस्ट के पास में आएंगे और वहां से फिर हमारे पास में आएंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो एकदम झटके आके वो गिर जाएगा, और गिरेगा तो ऐसा गिरता है कि आराम से गिरेगा, मतलब ऐसा फटाक से गिर के उसको मार नहीं लगेगा। तो अभी मेरे पास में आया था पेशेंट, वो झटके आ रहे थे, उसको दिन भर में 8-10 झटके आएंगे, और झटके आके वो गिर जाएगा, आराम से गिरेगा, बेहोश रहेगा, और बेहोश रहकर फिर एकदम दांत भी जैसे चिपक जाएंगे, आंखें बंद, और लोगों लगा तो सीरियस हो गया कुछ तो। सब तरह घूम के आने के बाद में हमारे पास में है, मतलब झटकों का इलाज होता है। कभी कभी क्या होता है कि लोगों का हाथ जो है हाथ एकदम ढीला पड़ जाता है, और उनको हाथ से कुछ काम ही नहीं होना, एकदम ढीला हाथ पड़ जाना, हाथ से कोई काम नहीं हो रहा, हाथ से कुछ उठा सकते नहीं है, एकदम लूज जैसा कुछ पैरालिसिस हो गया। कभी बाएं हाथ तो कभी दाहिना हाथ। कभी कुछ लोग आते हैं कि उनका आवाज बंद हो जाता है, और आवाज मैंने बात ही नहीं, उनका आवाज निकलता ही नहीं है, लोग बोलना चाहते हो सब मतलब इशारों से बात करेंगे, इशारों से बात करके आपको बोलेंगे, मगर उनका आवाज निकलता नहीं है, लोग लगता है कि आप पैरालिसिस हो गया, फिर उसके लिए वो इधर उधर जाएंगे। कुछ लोगों को फिट्स मिर्गी जैसे झटके, मतलब मिर्गी के जो फिट्स आते हैं ना वैसे फिट्स आएंगे, मतलब ऐसे झटके मारेंगे। कुछ लोग लगता है कि मिर्गी के झटके हैं, लगता है कि एपिलेप्सी है, मगर एपिलेप्सी के और ये झटकों में थोड़ा अलग रहता है, फर्क हो जाता है। तो जैसा ये ऐसे 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 झटके जो रहते हैं एपिलेप्सी के वैसे नहीं होंगे, आंखें ऊपर जाना एपिलेप्सी में वो इसमें नहीं होगा, या दांत के लिए बैठना एकदम बाद में वो इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें आड़े टेढ़े हाथ घुमाएंगे, मतलब फर्श के ऊपर गिर जाएंगे, और फर्श के ऊपर मतलब इधर से उधर उधर से इधर ऐसे झटके मारेंगे, और मतलब ऐसा अलग से ही लगता है कि भाई इसको लगता है कि ये होश में है क्या, कि होश में नहीं है, लगता तो कि बेहोश है, मगर चिल्लाएगा, आवाज करेगा, और पूरा जमीन के ऊपर इधर से उधर मतलब शोर करेगा, घूमेगा, लगता है कि भाई बेहोश हो गया करके। कभी कुछ ऐसा हो जाता है इनको कि आंखें ऊपर चली जाती है, और आंखें ऊपर चल के उनको दिखाई देता नहीं है, और वो ऐसे हमारे पास में आती है कि अभी आंखें ऊपर चली गई, दिखाई नहीं दे रहा है। कभी उनको दांत के लिए बैठना, और एकदम ऐसे गिर जाना, दांत के लिए बैठ जाना, तो वो आ गए। या कभी वो बेहोश हो जाएंगे और हाथ पैर ऐसे झाड़ेंगे, इधर से उधर उधर से इधर झाड़ेंगे, और झाड़ते रहेंगे 5-10-15 मिनट। मतलब इस तरह की बीमारी ऐसी होती है कि उसमें क्या होगा, किस तरह के लक्षण लेके हमारे पास में पेशेंट आएगा वो नहीं सकते, देखना ये पड़ता है कि इसमें कोई ब्रेन की बीमारी है क्या। तो अभी तक जो मैंने बताया तो पहला हमारा लक्ष्य जाता है, या मतलब पहला हमारे दिमाग में आता है कि भाई ब्रेन का प्रॉब्लम है क्या। तो एक बार ब्रेन का प्रॉब्लम निकल गया कि ब्रेन में मतलब भेजे में या मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम मन का है, तो फिर ढूंढना पड़ता है कि इसके मन में हुआ क्या, क्या टेंशन है, क्या चिंता है, कौन सी चिंता से ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ तो भी इसमें मिलता है। ऐसा समझो कि बीमार हो गया तो लोगों को लगता है कि बहुत सीरियस हो गया, फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे, वहाँ उसका इलाज करेंगे। अभी घर की लेडी होंगी, महिला होंगी, बहुत काम है उसको, बहुत काम पड़ रहा है घर में, और सवेरे से रात तक वो काम ही काम घर घर में कर रही है, मतलब फैमिली है बहुत बड़ी। अब उसको भागना है तो कहाँ भागेंगे, जाना है तो कहाँ जाएंगे। सोच के वो कहीं देख लेती कि ऐसा फिट वगैरह आती किसको, उसको भी आना चल हो जाता है, ताकि अभी सब लोग उसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे, वहाँ उसका इलाज करेंगे, और घर के काम से उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो कभी ऑफिस में प्रॉब्लम है, ऑफिस में जाना नहीं है करके आप भी लोगों को हो सकता है, बच्चों को इस तरह के झटके आते हैं क्योंकि स्कूल में जाने का नहीं है, औरतों को आते हैं क्योंकि वो भी कोई समझो महिला ही मतलब महिलाएं काम कर रही है कहीं ऑफिस में, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो रहा है करके, या सास की पट्टी नहीं है, घर में लोगों की पट्टी नहीं, इसको झटके आना चालू हो जाते हैं। क्योंकि एक बार बीमार हो गए तो फिर क्या होता है, सबका अटेंशन उनके ऊपर चले जाता है, सबका अटेंशन जाने के बाद में फिर चलो डॉक्टर के पास में हॉस्पिटल में भर्ती करो। और सब पहले जो मतलब उसको कमेंट करने वाले लोग थे, जो उसके उसको ताना मारने वाले लोग थे, अब उसकी सेवा करना चालू करते थे वही लोग। तो इसमें ऐसा हिडन एजेंडा रहता है, इसमें हमको उसको साइकोथेरेपी देना पड़ता है कि भाई ये रास्ता नहीं है, तुमको जो भी तकलीफ है इसके लिए ये बीमारी, ये बीमार होने का ये रास्ता नहीं है। उसको हम जब साइकोथेरेपी देते हैं, काउंसिलिंग करते हैं, और उसका सोर्स जो है वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं कि भाई क्या सोर्स है, कभी उसके ऊपर हिप्नोसिस करना पड़ता है,
हिप्नोथेरेपी करनी पड़ती है, जिससे कि एक्चुअली अंतर्मन में क्या हो रहा है, अंतर्मन में क्या परेशानी हो रही है, अंदर क्या बातचीत चल रही है, वो भी हम सुन लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं उससे, और उससे वो पेशेंट अच्छा हो जाता है। जैसे काफ़ी सारे पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं जिसका इलाज हम करते हैं, हमारा जो हॉस्पिटल है इसमें रिश्तेदारों के समेत रख के हम मनोरुग्ण का इलाज करते हैं, और दूसरा जो हॉस्पिटल है उसमें रिश्तेदारों के अलावा, मतलब वो हमको हमारे यहाँ पेशेंट को अकेला छोड़ देते चले जाते हैं, वहाँ इलाज हम करते हैं, और शहर के लोगों का भी इलाज करते हैं। तो आपके इलाके में ऐसे बहुत सारे काफ़ी पेशेंट होंगे जिनको ये इलाज करना होगा या झटके आते होंगे, तो ज़रूर ये वीडियो आपके व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कीजिएगा, फेसबुक के ऊपर शेयर करो, हमारा चैनल है यूट्यूब का उसको सब्सक्राइब करो, और हमारा जो वेबसाइट है ये उसमें जाके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।